सफल गृहस्थ धर्म के लिए क्या करना है? सफल गृहस्थ धर्म के लिए गृहस्थ कर वही तो गृहस्थ धर्म के बैठे तो ले आए तुरंत दान मा कल्याण बहुत अच्छा लो जी। इससे हमको निकाह एक ग्रंथ लिख रहे कृषि और कृषक, तो कृषि विज्ञान बहुत भगवान शंकराचार्य ने कृषि विज्ञान का बहुत उत्कृष्ट वर्णन किया है छांदोग्य सूत्र में, उससे कुछ सामग्री लेनी। इतना सूक्ष्म विज्ञान वनस्पतियों का शंकराचार्य ने किया है अनुसायी जीव के रूप में, उतना जॉलोजी या बायोलॉजी वाले को कुछ नहीं ज्ञान है जीव विज्ञान पर। जितना सूक्ष्म विज्ञान भगवान शंकराचार्य ने वनस्पति का दिया, हाँ क्या गृहस्थाश्रम गृहस्थाश्रम में प्रवेश का प्रयोजन क्या है? पहली बात यह, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी पहले ऋषिकुल की, गुरुकुल ऋषिकुल में वेद वेदांत का अध्ययन करते समय ही विचार की प्रगल्भता के कारण विवेक के बल पर पत्नी पुत्र संभावित से जो विरक्त हो जाते थे, वैराग्य विचार के गर्भ से वैराग्य गुरुकुल में ही निकल आता था, उनको गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। यदहरेव विरजे तदहरेव प्रव्रजे, लेकिन बिना प्रयोग के आसक्ति मिटनी, आसक्ति की निवृत्ति कठिन समझकर, जैसे कोई माँ कहे कि ऐ बच्चा आग मत छू, बच्चा छुए बिना न रहे, थोड़ी उसकी उंगली पकड़ कर थोड़ा सा ऐसे कर देगा, अब आगे नहीं छुएगा, तो फिर प्रयोगशाला भट्टी में झुकी है गृहस्थाश्रम में, बाल बच्चे पत्नी के नखरे हैं पापड़ बेलिए, वैराग्य रूपी रत्न निकालने के लिए समुद्र में डुबकी के समान गृहस्थाश्रम में प्रवेश है। विचार की प्रगल्भता से ही जो वैराग्य नहीं प्राप्त कर सके उनके लिए कहा जाता है कि इस कुंड में कूदो, अग्नि कुंड में कूद जाओ, या विशाल जलराशि से युक्त जलाशय में छलांग लगा दो। अब वहाँ प्रयोग करके निकालना क्या है? वैराग्य रूपी रत्न। कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? विदुर जी ने जो प्रश्न किया है मैत्रेय जी को श्रीमद् भागवत, वैराग्य रूपी रत्न निकालने के लिए गृहस्थाश्रम में कूदा जाता है, छलांग लगाया जाता है। यह अंतरंग प्रयोजन है, बहिरंग प्रयोजन है उन्नत वंश परंपरा का उच्छेद न हो, वंश परंपरा का उच्छेद न हो, इसलिए अंतरंग प्रयोजन गृहस्थाश्रम में प्रवेश का क्या है? वैराग्य प्रवृत्ति का पर्यवसा निवृत्ति में है। मनुज ने लिखा निवृत्तिस्तु महा फला, प्रवृत्ति इसलिए अपनाई जाती है, गृहस्थाश्रम का नाम प्रवृत्ति है, प्रपंच है, उसका पर्यवसा निवृत्ति में हो, और निवृत्ति का पर्यवसा निर्वृत्ति मुक्ति में हो, तो मुक्ति की प्राप्ति की विधा विरक्ति है, विरक्ति के बिना मुक्ति नहीं होगी, विरक्ति की प्राप्ति के लिए सिद्धि के लिए गृहस्थाश्रम है। तदर्थे खिल चेष्टितम श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम, भगवद्गीता। भगवदर्थ जीवन यापन के लिए गृहस्थाश्रम है तो सफल गृहस्थ हो जाता है, और लक्ष्य भूल गया क्या? कई बार उपनिषद का कोई वचन ध्यान में आया, अब स्थल ढूंढने लगे, उपनिषद हाथ में ले लिए, अब इतने में मैं भूल जाता हूँ वचन कौन ढूंढना था, उपनिषद हाथ में भी है, दूसरा विचार तत्काल आ गया, अब कौन सा वचन ढूंढना था,
उपनिषद तो हाथ में है, वचन याद भी है, स्थल ढूंढना है। अब जब यही भूल गए कि वचन कौन सा ढूंढना है तो क्या ढूंढे। इसी प्रकार गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते ही यही भूल गए कि गृहस्थाश्रम स्वीकार क्यों किया जाए, या लक्ष्य नहीं, आमोद प्रमोद के लिए गृहस्थाश्रम में घुस गए, एक्सीडेंटल बाल बच्चों की उत्पत्ति होगी ना, गर्भाधान संस्कार था ना, अब तो एक्सीडेंटल संतान की उत्पत्ति होती है ना। आमोद प्रबोध के लिए गृहस्थ बनना तो पतन है, वैराग्य रूपी रत्न प्राप्त करने के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना संयम है, साधन है, और यही शास्त्रीय प्रथा भी है। आमोद प्रबोद के लिए तो हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम, एक बहुत विचित्र बात है, तीन ऐसाओं में पत्नी की ऐसा का नाम कहीं है क्या? शुक्ल जी हैं क्या? लोकैसणा, वित्तैसणा, पुत्रैसणा, स्त्री की ऐसा है कहीं नाम लिखा? नहीं नहीं, इसका मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ना, पुत्रैसणा कहा गया है, स्त्री की ऐसा थोड़े है। सुतवित लोक ईसणा तीनी कही के चित्त कही कर चित्त इनकृत न मलिनी, पत्नी का तो यहाँ नाम ही नहीं है, पुत्र का नाम, पुत्र की प्राप्ति पत्नी के द्वार से होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति में चूंकि पत्नी द्वार है इसलिए गृहस्थ बनना चाहिए, और बाल खाल में आसक्ति के लिए गृहस्थ बनने का तो हमारे यहाँ विधान ही नहीं है। हो गया ना पूरा स्वरूप गृहस्थाश्रम का।